गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज नंबर 1. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, व्हाट, विच, हुज एंड दैट. हमको ब्लैंक फिल करने हैं ये करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन चूज करके. हु का क्या मतलब होता है? हु का मतलब होता है जो या जिसने. होम मीन्स जिसको. व्हाट का सेंस निकलता है सेंटेंस में जो. विच का भी सेंस निकलता है जो. हुज मीन्स जिसका, जिसकी या जिसके. और दैट का सेंस भी सेंटेंस के अकॉर्डिंगली जो, जिसका, ऐसे निकलता है. सो फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द ट्रेन गोज टू शिमला. एंड एज वी नो द ट्रेन इज नॉन लिविंग थिंग एंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन यूज विच और दैट. सो आंसर इज विच. दिस इज द ट्रेन विच गोज टू शिमला. यह वह ट्रेन है जो शिमला जाती है. सेकेंड, दिस इज द मैन यू मेट यस्टरडे. यह वह आदमी है जिसको तुम कल मिले थे. सो द वर्ड हुम हियर वी यूज दिस इज द मैन हुम यू मेट यस्टरडे. यह वह आदमी है जिसको तुम कल मिले थे. थर्ड, आई वॉन्ट टू थैंक द पर्सन हेल्प्ड मी. मैं उस व्यक्ति को थैंक करना चाहता हूँ जिसे, जिसने मेरी हेल्प की थी. सो वी यूज हियर हु. आई वॉन्ट टू थैंक द पर्सन हु हेल्प्ड मी. मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मेरी हेल्प की थी. फोर्थ, नेवर ट्रस्ट इन देम आर ग्रीडी. इट मीन्स कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करो जो ग्रीडी होते हैं. सो वी यूज हियर हु. वी ऑल्सो कैन यूज हियर दैट. हु और दैट बोथ आर करेक्ट. नेवर ट्रस्ट इन देम हु आर ग्रीडी और दैट आर ग्रीडी. फिफ्थ, अ सर्जन इज अ डॉक्टर परफॉर्म्स ऑपरेशन. सर्जन जो होता है वह एक डॉक्टर होता है जो कि ऑपरेशंस करता है. आंसर इज हु. अ सर्जन इज अ डॉक्टर Who performs operations. Sixth, have you heard? I said. Here we use what. Have you heard what I said? क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? Seventh, the sun rays have energy, shines in sky. Answer is whose. The sun whose rays have energy shines in sky. क्या मतलब हुआ इसका? The sun वह सूर्य Whose rays have energy? जिसकी किरणों में एनर्जी होती है. Shines in sky. वह आकाश में चमकता है. We can use whose with non-living things, living things. So answer is whose. Eighth, the children, parents are take good care of, become good citizens. Again here answer is whose. The children whose parents take good care of, become good citizens. ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनका अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं, वह एक अच्छे सिटीजन बनते हैं. नाइन्थ, द मैन यू हेल्प्ड इज स्माइलिंग. आंसर इज होम. द मैन होम यू हेल्प्ड इज स्माइलिंग. वह व्यक्ति, वह आदमी जिसकी तुमने मदद की थी वह हंस रहा है. लास्ट वन, द बाइसिकल यू गेव मी इज रनिंग वेल. आंसर इज दैट और विच. वी ऑल वी कैन यूज बोथ. द बाइसिकल दैट यू गेव मी इज रनिंग वेल और द बाइसिकल विच यू गेव मी इज रनिंग वेल. सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड डू इट अगेन इन योर नोटबुक.